हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो हम लोगों की लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं और जो कम बजट में भी हैं, जिनको हम लोग आराम से कर सकते हैं कम बजट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे हैक्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो मेरा हैक्स है वो है माथा पट्टी। तो इस समय माथा पट्टी बहुत ज़्यादा चलन में है। यह है मेरी माथा पट्टी जो मैंने मंगाई थी। आप लोग इसको मत मंगाइएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने तो मंगा ली और आप लोगों को क्यों मना कर रही। तो मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि मैंने तो इसमें अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इसमें पैसे बर्बाद करें। ये देखिए, इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी स्टेट नेकलेस हो तो आप उसको एज ए माथा पट्टी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए, ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको मैं ऐसे एज ए माथा पट्टी आराम से यूज कर सकती हूँ। ये देखिए, तो है ना कमाल का आइडिया, लग रही है ना ये बिल्कुल माथा पट्टी बिना पैसे खर्च किए। एज ए नेकलेस चाहेंगे तो आप एज ए नेकलेस पहन सकते हैं, और एज ए माथा पट्टी चाहेंगे तो आप इसको माथा पट्टी की तरह यूज कर सकते हैं। और तीसरा, इसको आप तीसरे और तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, शादी में जाना रहता है और मन होता है कि जूड़ा बांधे, और जूड़ा जूड़ा बना तो लिया, अब जूड़ा बना लिया है, जूड़ा में बनाने लगाने के लिए कुछ होना भी चाहिए डेकोरेशन के लिए, जूड़ा मेरा अच्छा दिखे। तो उस समय हम लोगों के पास कुछ करूँ क्या लगाऊँ, तो उस समय ये जो आपका नेकलेस है बहुत काम आने वाला है। तो इसको क्या करना है, इस तरीके से हम लोग अपना जूड़ा बांध लेंगे, जिसको जिस तरीके से बांधना हो जूड़ा बांध लेंगे। जूड़ा बांधने के बाद ये जो हम लोगों का ये जो नेकलेस है उसको हम लोग ऐसे, तो देखिए लग रहा है ना प्यारा। अब ये गजरे से भी सुंदर लग रहा है, और रात में ये जब लाइट पड़ेगी तो इतना अच्छा गजरा नहीं लुक देगा, इतना अच्छा ये लुक देगा। तो ये था इसका तीसरा आइडिया, जो हम एक नेकलेस को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पैसे तो हम लोगों के एक चीज में जाएंगे और उसको हम लोग यूज करेंगे थ्री टाइम थ्री तरीके से। तो है ना गजब का हैक। ओ, नेक्स्ट हैक के लिए अपनी मेहंदी की बात। तो हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, और आजकल जैसे कि ट्रेंड में चल रहा है माथा पट्टी हुई, मेहंदी हुई, तो ये लोग गर्ल्स हो या वुमेन्स हो, सभी लोग इस समय लगाना इनको पसंद करते हैं। तो मैंने लगा लिया इस तरीके से ये भाग रहा है, तो ये यहाँ पे एकदम से नहीं टिक रहा है, और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हम डांस करना है, आप पता चला ये आ गया, लो पूरा लुक खराब है। इतना तैयार हुए या सब कुछ हुआ, सब बेकार है, क्योंकि जो मेरी बहनदी है वो अपने सही जगह पे नहीं है, वो कहीं इधर भाग रही है कहीं इधर भाग रही है। तो हम डांस तो कर रहे हैं लेकिन मेरा पूरा फोकस कहाँ है, बहनदी पे। तो उसके लिए क्या करना है कि हम डांस भी करें मस्ती भी करें और मेरा जो बहनदी है वो भी अपनी जगह पे रहे। तो उसके लिए जो हैक है, हम लोगों को लेना है इस तरीके का डबल साइडेड टेप। तो इसको हम लोग ले लेंगे, और इतना छोटा ले लेंगे जो मेरा बहनदी में अंदर ही रहे और बाहर से ये बिल्कुल भी ना दिखे। तो इस जो डबल साइडेड टेप है इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसको लगा लेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे ये बहनदी। अब तुम डांस भी कर सकते हो, खूब मस्ती करो चाहे कुछ भी करो, और आपकी जो बहनदी है वो जगह से नहीं हिलेगी। मतलब एक सबके लिए सलाह है कि डबल साइडेड टेप तो आप अपने जो पर्स होता है जिसमें हम लोग लिपस्टिक वगैरह कुछ अपनी पर्सनल चीजें जो बैग में पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो रखते ही हैं, तो उसके उसमें अगर हो सके तो अपने साथ थोड़ा सा डबल साइडेड टेप जरूर रखिए अपने बैग में, कहीं पे भी लगा लीजिए थोड़ा सा डबल साइडेड टेप रखिए। तो उससे क्या फायदे हैं, एक तो अगर आपकी बहनदी डिस्टर्ब करती है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है कभी
कभी हम लोग बहुत हैवी इयररिंग्स पहने हैं और वो डांस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पता चला कि इयररिंग्स का जो पीछे का होता है पेच वो गिर गया कहीं, अब हम लोग क्या करें, अब वो इयररिंग्स कैसे संभालें, तो अब एस्टालाई नहीं है और उसका वो गिर गया है तो अब क्या करें। तो उस समय ये जो डबल साइडेड टेप है ये बहुत काम आता है। तो इसको आप क्या करें कि इसमें एक सेफ्टी पिन तो सबके पास होते ही है, पिन से एक होल कर लें और बस ये कान में आप अपने जो उसका जो पेच होता है जो इयररिंग्स का, उसकी जगह आप डबल साइडेड टेप को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और आपका वो इयररिंग्स गिरेगा भी नहीं और आप अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड हैक के लिए। तो जो थर्ड हैक है वो है मेरा चूड़ी से संबंधित। अचानक से हम लोगों को किसी शादी या कोई भी पार्टी हो उसमें जाना है, अब क्या करूं, चूड़ी तो मैंने खरीदी नहीं है तो कौन सी चूड़ी पहनूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे साड़ी तो ये पहननी है लेकिन मेरे पास चूड़ी कोई नहीं है उसकी मैच की, तो अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं, आपके पास है नहीं है, आपके पास है नहीं है, अब मुझे जाना तो है पार्टी में और चूड़ी भी मुझे चाहिए कि जो मुझे अच्छी लगे, तो मैं पहनूं क्या। ये हम लोगों को अपना पूरा जो आपके पास चूड़ी कलेक्शन हो उसको खोल लेना है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पास क्या है, मुझे पार्टी में जाना है, मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है साड़ी की मैच की, तो हम क्या करते हैं। तो देखें मेरे पास कुछ है कि नहीं, नहीं, इससे मेरा कुछ काम हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको आते हैं कुछ मिक्स एंड मैच। ये देखिए ये कितना प्यारा सेट बन गया है। तो इस तरीके से हर लेडीज के पास अपना कुछ कड़ा का कलेक्शन होता ही है, कुछ कंगन हर लेडीज के पास होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, सारे कंगन निकालने हैं और सारे कंगनों का मिक्स एंड मैच कर लेना है। तो बहुत प्यारा सा ये देखिए बन गया है, इसको हम आराम से अपनी पार्टी वगैरह में पहन के जा सकते हैं, किसी भी साड़ी के साथ पहन लेंगे इस तरीके से तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आपके पास कंगन हो वो इस तरीके से लगा लीजिए और साइड में आपके पास जो पेयर हो आपको वो लगा दे लें, जैसे ये है तो मैंने इनको आगे पीछे लगा लिया है इस तरीके से, ये देखिए। और कितना प्यारा सेट बन गया है। तो आप अगर देखेंगे कि जितने सीरियल्स वगैरह में हैं या जो फैशन डिजाइनर वगैरह हैं वो लोग ज़्यादातर इस तरीके का ही मिक्स एंड मैच करके बड़ा छोटा सब पहनते हैं, तो और बहुत प्यारा भी लगता है। तो ये आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसको हाथ में डाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और अगर मान लो बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको ये सब चीज़ दाम धाम नहीं पसंद होता है, वो एकदम सिंपल चाहती हैं कि मुझे सिंपल सिंपल बिल्कुल रहना है, तो उनके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। कोई भी लेडीज हो, और मेरी सत्य यही है कि हर लेडीज के पास कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक तो चूड़ा का सेट होना ही चाहिए जो हम कभी भी किसी भी टाइम पहन सकते हैं को किसी भी साड़ी के साथ। तो चूड़ा एक ऐसा है जो आप किसी भी साड़ी पे पहन लेंगे आपको अच्छा लगेगा, वो आपको बहुत अच्छा ही लुक देगा। तो मेरी वही है कि अगर आप लोगों के पास चूड़ा ही है जिसके पास, वो इस तरीके का चूड़ा ले सकते हैं और चाहे रेड कलर में ले लें चाहे मल्टी कलर में ले लें। और अगर आपके पास कोई भी चूड़ी नहीं है तो वो चूड़ा आप हर साड़ी के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये था मेरी दूसरी ट्रिक, जो इस तरीके का नहीं पसंद करती हैं तो वो चूड़े को स्टाइल कर सकती हैं। और अगर वो चूड़ा भी नहीं चाहती हैं कि मुझे ये भी नहीं पहनना है, मुझे चूड़ा भी नहीं पहनना है, तो क्या पहनना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी एक आइडिया है। उसके लिए हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने कौन सी साड़ी को पेयर किया है, कौन सी साड़ी हम लोगों ने बांध दी है और उसमें कौन कौन से कलर हैं।
तो अब मान लो अगर आपकी साड़ी में दो कलर हैं, आप उसको ये देखिए कि मेरा भाई हमने साड़ी के मैच की चूड़ियां तो ली नहीं है, तो मेरे जो ब्लाउज का कलर है या साड़ी में कोई ऐसा कलर है कि जिसकी चूड़ी हम मेरे पास हो इस समय आपके पास, आपने देखा कि मैं ये साड़ी बांध रही हूँ इस समय, अब मेरे पास इस कलर की चूड़ी नहीं है तो मैं क्या पहनूं, अब मुझे साड़ी में देखनी है कि मेरी साड़ी में कोई कलर ऐसा है जिसकी चूड़ी मेरे पास रखी है, तो हाँ शायद इस कलर की चूड़ी मेरे पास है, तो बस क्या करना है कि हमें झट से अपना चूड़ी केस खोलना है, देखना है कि ये चूड़ियां मेरे पास हैं और ये मेरी साड़ी से मैच भी करती हैं क्योंकि मेरी साड़ी में ये वाला कलर है, तो बस हमें क्या करना है, हमें इस चूड़ियों को पहन लेना है, जो भी आपके पास कंगन हो आप उनके उनको लगा के इन चूड़ियों को पहन लें। ये देखिए आप चूड़ी तो पहन ली, तो बस इसमें क्या है कि आपने चूड़ी जो इसमें कलर है उससे मैच करते हुए पहन ली है, अब हमें चूड़ियों को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए हमें अपनी चूड़ियों से मैच का कुछ अपने बॉडी में करना है जिससे मेरी चूड़ियाँ उस चीज़ को मैच करें, तो उसके लिए या तो हमें पर्स ले लेना है अगर आपके पास पर्स है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपको बस क्या करना है कि आपको जो ये जो हमारी बिंदी है ना स्वाद की निशानी, बस इसको अगर आपके पास इस कलर की बिंदी हो तो बस वो एक बिंदी लगा लेनी है और आपका लुक तैयार है, तो है ना कमाल का आइडिया, और आप बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम साड़ी से अपोजिट कोई चीज़ पहने हैं, आपकी बिंदी का लुक और आपकी चूड़ी का लुक सेम होगा तो आपका एकदम से अलग लुक निकल के आएगा और बहुत अच्छा लुक लगेगा, अगर कभी किसी ने ट्राई ना किया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा लुक आता है क्योंकि साड़ी सेम साड़ी के मैच कर तो सभी पहनते हैं, तो कुछ ऐसा पहने डिफरेंट जो एक अलग से आपको लुक दे, तो ये हैक आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये सारी लेडीज के लिए है तो जरूर ट्राई करके देखें, हैक है वो है मेरा बिंदी से संबंधित कि बिंदी भी हमें लगानी है साड़ी के मैच की, और बिंदी मेरे पास साड़ी के मैच की नहीं है और लगानी मुझे साड़ी की मैच की है, ये मैच की बिंदी लाएं तो लाएं कहाँ से, तो उसके लिए मेरे पास एक हैक है, तो ये क्या करना है आपको, ये जैसे ये बिंदी का पत्ता है, ये बिंदी इस तरीके की बिंदी तो हर लेडीज के पास होती है, चाहे कोई भी लेडीज हो सबके पास इस तरीके की बिंदी तो होगी होगी, अब मान लो बहुत से लोग तो होते हैं कि बिल्कुल कोई भी ड्रेस पहन लें चाहे जो भी पहन लें लेकिन उनको बिंदी बिल्कुल सिंपल लगानी है, और सही बात है कि आप कोई भी ड्रेस पहन लो लेकिन बिंदी में जो लुक अपना सिंपल बिंदी में आता वो किसी भी बिंदी में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग भी करते हैं कि नहीं कभी कभी होता है कि नहीं मैच की लगानी है, चाहे वो अच्छी लगे चाहे ना लगे लेकिन लगानी मैच की है और है नहीं और लगानी है, तो उसके लिए क्या करें कि सबके पास नेल पेंट होते हैं, तो आप ये देखें कि आपके पास उस कलर का कोई नेल पेंट है, और अगर आपके पास है तो बस आपका बिंदी तैयार, तो मान लो हमें ग्रीन बिंदी लगानी है, अब ग्रीन बिंदी लगानी है, बिंदी मेरे पास है नहीं तो मेरे पास ये ग्रीन नेल पेंट है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो सादा वाली मेरी बिंदी है हम इसको नेल पेंट से कवर कर देंगे बिंदी को, और थोड़ी देर इसको रख देंगे जिससे ये सूख जाए, और ये ध्यान रखना कि हमेशा अगर बिंदी है तो उस पर डार्क जो नेल पेंट होता है वो अच्छे से आता है, लाइट कलर उतना अच्छा नहीं खिलता है, लेकिन डार्क कलर बिल्कुल अपना सेम कलर में आ जाता है, तो थोड़ी देर हम लोग इस बिंदी को सूखने देते हैं, तब तक आपको दूसरा हैक बताते हैं कि दूसरा अगर आपके पास बिंदी नहीं है और आपको बिंदी लगानी है सेम कलर की, तो आपके पास सबके पास इस तरीके की या जो भी आपके पास आई शेडो हो, जिसके पास भी जिस तरीके का आई शेडो हो, ज़्यादातर तो आजकल सभी लोग आई शेडो वगैरह रखते हैं, तो मेरे पास ये वाला जो आई शेडो है मैं इसका यूज करके आपको दिखाऊंगी, तो हाँ मुझे बिंदी लगानी है सेम साड़ी के मैच की, तो इस तरीके से ये ईयरबड्स ले लेंगे
कोई भी मॉइस्चराइजर या कुछ भी है आपके पास तो वो हम इस जो ईयरबड्स है उसमें लगा लेंगे। इस तरीके से लगा लिया है। अब लगाने के बाद हमें बिंदी लगानी है ये वाली, तो बस हम अपने ईयरबड्स को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और लग गई ना कि बिंदी आपकी जाएगी बिल्कुल जैसे भी आपको कलर चाहिए उस कलर का आप आराम से इसमें से यूज करके लगा सकते हैं। ये जो नेल पेंट से जो हमने बिंदी तैयार की है उसको लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये रेड बिंदी को हमने किस कलर का कर दिया है, बिल्कुल ग्रीन कलर का। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बिंदी नहीं है कलर की और आपको कोई बिंदी लगानी है अपनी मैच की, तो इसी तरीके से आप हैक यूज कर सकते हैं कि जो भी आपके पास नेल पेंट हो आप उसका यूज कर सकते हैं और सेम कलर की बिंदी बना सकते हैं। तो ये था मेरा बिंदी हैक। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और बस यही था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने कुछ हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो शायद कुछ आपको अच्छे लगेंगे, कुछ आपको अच्छे नहीं लगे होंगे। बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा हैक पसंद आया और कौन सा हैक पसंद नहीं आया। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।